अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टिचिंग रोज चैनल को। तो आज मैं आपको फ्रंट बैक जो इकट्ठा गला बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है, वो बनाना सिखाऊंगी। यूट्यूब पे जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है शोल्डर के साथ बनाना सिखाया जा रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा तो तभी है अगर हम शोल्डर डाउन के साथ जो है इसको परफेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक साइड बढ़ाई हुई है और फ्रंट साइड जो है छोटी है। इस तरीके पर, इस कटिंग पर आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से नेक लगाना है। अगर फ्रंट बैक बराबर भी है तो भी आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बैक साइड बढ़ाकर कट की है तो भी आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास दो तरीके हैं, अगर तो टाइम बचा तो दूसरा भी बताऊंगी, वरना मैं आपको यहाँ पर एक ही तरीका आज बताऊँगी, दूसरा फिर कभी सही। और ये जो तीरा है तकरीबन मेरा 13.5 इंच तैयार है, तो मैं इसके लिए बता रही हूँ। 14 इंच तीरे के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने ये देखना है कि आपके गले की चौड़ाई कितनी है। फ़र्ज़ करें अगर आप 3 इंच गला जो है चौड़ा रखना है, तो आपने बुकरम की चौड़ाई 4 इंच लेनी है। अगर 4 इंच आपने अपने गले की चौड़ाई रखनी है, तो आपने इस तरह से बुकरम को 1 इंच बढ़ाकर चौड़ाई में ले लेना है। और यहाँ पर आपने गले की डेप्थ आप जो भी रखें, फ्रंट गले की, इस साइड पर फ्रंट गला आएगा, इस साइड पर बैक नेक आएगा। फ्रंट गले की जो भी डेप्थ है, फ़र्ज़ करें आप 6 इंच रख रहे हैं, तो आपने 1 इंच बढ़ाकर जो है बुकरम लेना है। और यहीं से ही आपने देख लेना है कि बैक गला कितने का होगा। अगर ये निशान है फ़र्ज़ करें हमारा सेंटर का तीरे का, तो बैक गला नॉर्मल जो है 3 से 3.5 इंच का होता है, तो आपने इसी तरह से बैक के गले के हिसाब से भी 1 इंच बढ़ाकर बुकरम ले लेना है। लेकिन जब हम बैक साइड बढ़ाकर कट करते हैं, तब हमने क्या करना होता है कि फ्रंट का गला छोटा 0.5 इंच और बैक का गला जो है वो 0.5 इंच बड़ा रखना होता है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर हम फ्रंट का गला पहले ही पूरा पूरा रख लेंगे और बैक का छोटा, यानी कि बैक का भी वही रख लेंगे नाप जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं शोल्डर की, फ्रंट बैक बराबर में उसमें जो नाप गले का रखा जाता है, अगर आप इसमें भी वही रख लेंगे, तो आपका फ्रंट बैक साइड जब फ्रंट पर आएगी तो फ्रंट का गला और बड़ा हो जाएगा 0.5 इंच, और बैक का गला जो है वो और छोटा 0.5 इंच हो जाएगा। तो इस वजह से आपने जब आप बैक साइड बढ़ाकर रखते हैं, तो फ़र्ज़ करें अगर मुझे 5.5 इंच गला चाहिए, जहाँ से नीचे से हम 1 इंच छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमें 5.5 इंच गला रेडी चाहिए, तो हमने 5 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। फ्रंट का 0.5 इंच कम करके हमने निशान लगाना है, क्योंकि जब बैक से गला 0.5 इंच आगे की तरफ आएगा तो हमारा जो है वही नाप आ जाएगा जो हमने पहले से रखा होगा। तो मुझे यहाँ पर तकरीबन जो है वो 6 इंच गला चाहिए तैयार, तो मैं 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ ये हमारा हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। इस तरीके के साथ हम कोई भी शेप गले की दे सकते हैं। बैक का तो हमने इसी तरह से बनाना है यही शेप, और फ्रंट की हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेप के साथ ये गला बनेगा, कोई भी शेप हम फ्रंट की दे सकते हैं। यहाँ पर बैक का गला जो है मुझे नॉर्मल 3 चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 यानी कि 0.5 इंच बढ़ा कर रखूँगी, क्योंकि बैक साइड जो है मैंने बढ़ाई हुई है। अब यहाँ पर मैं चौड़ाई का निशान लगाऊँगी 3 इंच, और यहाँ पर जो है मैं 3.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैं 0.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इस तरह से मिला दूंगी। अब 1-1 इंच के मार्जिन पर हम 0.5-0.5 इंच के मार्जिन पर बाहर का निशान लगा लेंगे। बैक साइड भी बिल्कुल इसी तरह से, इस तरह से हल्की सी गोलाई वाली शेप देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल जो है अपने बैक नेक की गोलाई देते हैं, सेम उसी तरह से। और ये बाहर का हमारा मार्जिन बुकरम का 0.5-0.5 इंच का। अब इसी पर हम कर लेंगे अपनी कटिंग। इसको हम मज़ीद जो है वो नीट कर लेंगे। ये हमारा गला जो है इस तरह से कट चुका है। ये रहा हमारा सेंटर,
ये कट जो है अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, कोई भी शेप नीचे से दे सकते हैं। यहाँ पर निशान लग चुका है, अब हम इसको करते हैं कपड़े पर पेस्ट। गले को मैंने इस साइड से और इस साइड से हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए पेस्ट कर लिया। अब हम साइडों से हाफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए सारा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर लगाने हैं कट से इस तरह से, और ग्लू लगा कर मैं जोड़ लूँगी ताकि बार बार जो है वो कपड़ा उतरे ना। अब हमने क्या करना है कि चौक से यहाँ पर निशान लगाना है, ये जो हमारा गले का सेंटर है इस तरह से, और इस तरह से करते हुए क्रीज भी बिठा लेनी हमने। नीचे से आप कोई भी शेप दे रहे हैं, लगाने का जो तरीकाकार है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये है हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा, सीधी साइड पर लगाएंगे और उल्टी साइड पर पलटेंगे। ये सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना हमने। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पर आएगी सिलाई शोल्डर पर, यहाँ पर भी इस तरह से चौक से निशान लगा रही मैं, इस साइड पर भी। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये जो है ना शोल्डर जॉइन करने से पहले हमने इस तरह से यहाँ पर रखना है, और इस साइड से भी ये देखें, ये जो तीरे की सिलाई है ये जगह बराबर होनी चाहिए, इधर से भी और इधर से भी। और नीचे से ये वाला हमारा सेंटर है, ये चीज़ भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ से ये चीज़ बराबर हो, यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर हो, और ये चीज़ हो। अब हमने क्या करना है, तीरा मापना है कि साइड से हमारा तीरा ये तकरीबन 3.25 इंच है, इस साइड से भी मापना है। ये देखें, इस साइड से भी 3.25 इंच पूरा आ रहा है। दोबारा दिखा दूँ, ये देखें, यहाँ से 3.25 इंच, 3 इंच और 2 पॉइंट, और इस साइड से भी 3 इंच और 2 पॉइंट। अब हमने क्या करना है कि इनको पिनअप कर देना यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि गले का जो हमारा सेंटर जहाँ पर हमने क्रीज बिठाई और निशान लगाया है, और शर्ट पे जो हमने हाफ इंच शोल्डर पर निशान लगाया है, ये मैंने आमने सामने रखे हैं, यानी कि बराबर रखे हैं। तो आप गला थोड़ा सा ऊंचा करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए था, तो बिल्कुल जो है तीरे के बराबर ये हमारा गला फिक्स होगा, ज़्यादा कपड़ा मार्जिन में सिलाई में नहीं जाएगा। तो आप थोड़ा सा ऊंचा करके भी इसको रख सकते हैं, हमारी सिलाई बिल्कुल जो है सही लगेगी। और अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू इस तरह से नीचे लगा लें ताकि गला बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब हमने सिलाई जो लगानी है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर ख़त्म कर देनी है, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर। ये देखें, गला जो है मैंने जोड़ लिया यहाँ पर, यहाँ से सिलाई स्टार्ट की। ये देखें धागा, यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ पर और यहाँ पर लाते हुए ख़त्म कर दी है। ये वाली है बैक साइड, हमने इस तरह से रखना है। इस पर भी निशान लगा लेती हूँ हाफ हाफ इंच का जो सिलाई में आएगा। ये हमारा सेंटर, ये देखें, यहाँ से पिन्ने उतार लेनी है, और ये हिस्सा हो गया इस तरह से बैक की तरफ करते हुए इसको यहाँ पर पिन्ने लगा लेनी है। इसको भी पीछे की तरफ करते हुए यहाँ से भी पिन लगा लेनी है ताकि ये आगे की तरफ ना आए और इस पर सिलाई ना लग जाए। इस हिस्से को भी इसी तरह से पलटते हुए ये वाली पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमने ये जो हमारे कोने हैं यहाँ पर, इसका भी सेंटर कर लेते हैं, इस गले का भी यहाँ से बराबर करते हुए चौक से निशान लगा लेंगे ताकि सेंटर मालूम हो सके। ये चीज़ अब हमने ये वाला जो सेंटर है इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखना है ऐसे, और उधर से ये जो सेंटर है ये इस जो हमने निशान लगाया है हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं लगा दूँगी पिन,
ये तरीका तब है कि जब हम शोल्डर डाउन करके 1 इंच या 1.5 इंच अपना गला बनाएंगे, कोई भी गला, क्योंकि इस गले का फ़ायदा तो तब है ना जब हम अपने हर तरह की नॉर्मल शर्ट पर, बच्चियों पर लगाएं। हर शर्ट तो हम सीधे शोल्डर के साथ नहीं बना सकते, सीधे शोल्डर तो होते भी नहीं हैं, चाहे बैगी शर्ट भी हो उसमें भी शोल्डर डाउन ही होते हैं, तभी हमारी अच्छी शेप आती है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों से शोल्डर देख लेने हैं, ये भी तकरीबन 3 इंच 2 पॉइंट, और इस साइड से थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारा गला जो है लगता है इधर से सेट नहीं बैठा, तो हमने दोबारा से सेट करते हुए नापना है। और ये देखिए 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, अब ये सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर पिन लगा दूँगी और यहाँ पर भी हम ग्लू लगा सकते हैं, ये देखें इस जगह पर भी ग्लू लगाई जा सकती है जो कटिंग में आएगा हमारा हिस्सा। अब हमने इसको मशीन के नीचे ले जाना है और यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और ऐसे लाते हुए यहाँ तक ख़त्म कर देनी है बस। अब पिन जो हैं हम उतार लेंगे। शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा मैंने पीछे वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से पलट दिया है और जहाँ पर चौक से मैं आपको दिखाने के लिए निशान लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर हमारे तीरे की सिलाई लगेगी। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से, और इस साइड से भी बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। इसको अंदर की तरफ करेंगे, ये जो हमारा गला बाहर आ रहा है, और यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर भी इसको नीचे की तरफ करेंगे। अब हम एहतियात के तौर पर एक सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे इस तरह से। ये जो मार्जिन है ये पीछे की तरफ रह ले। इस साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से मार्जिन पीछे की तरफ करते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हम करेंगे सेंटर से कटिंग, कपड़ा 1/2 इंच जहाँ से छोड़ते हुए फ्रंट बैक से दोनों से इस तरह से हम कपड़ा कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे, अब हम इनको पलटेंगे। ये देखें ये हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हमने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि हम इस पर करेंगे तरपाई। इस तरह से ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा 1/2 इंच। अब हम करते हैं इस पर तरपाई, बाद में आपको दिखाती हूँ अब हम इस पर कैसे डिटेलिंग करेंगे। गले को मैंने प्रेस करने के बाद तरपाई कर लिया है अच्छे से, ये देखें। अब यहाँ पर करना ये है कि चौक लेकर तो जहाँ जहाँ तरपाई नज़र आ रही है ना, यानी कि बुकरम की एंडिंग है हमारे अंदर वाले बुकरम की, तो वहीं वहीं पर इस तरह से निशान लगाते जाना, जैसे मैं अब आपको लगाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल तरपाई के ऊपर ऊपर हमने निशान लगाना है और नीचे से इस तरह से वी शेप दूँगी मैं। और मैं सोच रही थी कि वी शेप दूँ कि यहाँ पर जो बुकरम वाली शेप है वो दूँ, तो मैंने वी शेप दे दी है। और यहाँ पर
बैक पर भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। ये मैं आपको निशान दिखाने के लिए लगा रही हूँ, लगा भी सकते हैं आप, ज़्यादा आसानी होगी। मैं यहाँ पर लगाऊंगी ऊपर रख कर लगाने वाली लेस, यहाँ पर सीधा भी इस तरह से लगा सकते हैं। और मैंने गले को खोलते हुए बैक साइड से पौना डेढ़ इंच पीछे से मैंने स्टार्ट की है लेस लगानी। ये ज़िगज़ैग लेस है, बिल्कुल जो निशान लगाया है उसी के ऊपर ऊपर वाइट धागा मैंने डाल लिया इसके साथ का, और सिलाई लगाते जाना है, घुमाते जाना है, और जहाँ जहाँ निशान है उसके ऊपर रखते रखते इसको सिलाई लगाते जाना है। ये लेसेस बहुत ज़्यादा चली हुई हैं, हर कलर में, मल्टी कलर में भी अवेलेबल है, इसको आप यूज़ करें कुर्ता नेक। स्पेशली लेडीज़ जो लड़कियाँ होती हैं उनके बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये लेसेस, बच्चों के भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो मैच्योर एज की ख्वातीन है उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो लगाना चाहें या ना लगाना चाहें इस लेस को। लेकिन स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये लेस, क्योंकि कलर जो था डार्क था तो मैंने वाइट कलर की लेस लगाई है। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाऊँ कि इस तरह से हमने हाफ इंच दूसरी लेस से बढ़ाते हुए कटिंग करनी है किसी तेज़ कटर की मदद से, और इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसके ऊपर करते हुए हमने सिलाई चला लेनी है। और अब हम इसको कट देंगे कटिंग, और ये जो एक्स्ट्रा निकला हुए थे लेस के धागे उसको मैं कट कर रही हूँ ताकि नीटनेस आ सके गले के अंदर। अभी तो मैंने लगाई है सिर्फ और सिर्फ एक लेयर इस गले पर, ये देखें इस तरह से प्रेस मैंने कर लिया है। एक भी लगानी है तो एक भी लगा सकते हैं। सूट का कलर डार्क था तो मैंने वाइट कलर की लेस लगाई ताकि थोड़ा उठकर थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा बुटीक स्टाइल जो है हमारा गला लगे। अब मैं देख रही थी कि दो लगाऊं, तीन लगाऊं कि एक ही रहने दूँ, तो फिर मैंने क्या किया कि दो लगा ली। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस तरह से सेंटर करना है आपने, और हाफ हाफ इंच के मार्जिन पर पहले वाली लेस से हाफ हाफ इंच के मार्जिन पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है चौक से, सारा ही अपने गले पर, बैक साइड पर भी लगाना है। जहाँ कोने में आपको सेट करके दिखा रही हूँ इस तरह से अच्छे से कोने भी हमने बनाने हैं, नीचे से अच्छे से नोक भी बनानी है। तीन लेयर्स भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड पर भी इस तरह से हाफ हाफ इंच पे निशान लगाते हुए बाद में हमने इनको निशानों को आपस में मिला लेना है ताकि आसानी हो, हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट लगे। और आप इस जगह पर कोई भी और शटल की लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस लेस को पहले वाली, जहाँ से पहले मैंने स्टार्ट किया था उससे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करूँगी, यानी कि बाईं साइड से पीछे की तरफ, यानी कि पीछे वाले साइड से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और बिल्कुल जो है निशान के ऊपर ऊपर हमने अब सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त नेक, यूनिक बुटीक स्टाइल नेक। बुटीक स्टाइल के नेक इसी तरह से होते हैं कि छोटे छोटे पीसीज की डिज़ाइनिंग की होती है, गलों में भी, पूरे ड्रेस में भी। ज़रूरी नहीं कि हम मैचिंग की लेसेस लगाकर ही सूट को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि हम ऑपोजिट कोई भी जो लेस कपड़े पर रख कर देखें जो अच्छी लगे हम उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं बैक साइड पर अब आ गई हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि हमने हाफ इंच जो है छोड़ते हुए लेस कट करनी है। पहले मैं पहले वाली लेस के इस तरह से जो रफ़ एजेस हैं वो कट कर रही हूँ। और अब ये देखें यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए जो है कट कर देना है इसको, और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पहले वाली लेस के ऊपर रखते हुए हमने यहाँ इसके ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ से हमारी सफाई आनी चाहिए वरना हमारा गला जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हमने इसको लगाना है कि लगे ना कि हमने जोड़ लगाया हुआ है। अब मैं बिल्कुल साथ साथ नीचे से एक्स्ट्रा जो है लेस नज़र आ रही थी वो कट कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ इसको अपने। तो यहाँ पर एक और सिलाई भी छोटी सी लगाई जा सकती है ताकि मज़ीद जो है नीटनेस आ सके। गले की लुक आप फाइनल चेक कर सकते हैं, गला पसंद आया हो तो एक लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।